जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो भाई आ चुके हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है गणपति जी के विसर्जन का, क्योंकि आज गणपति जी का हमारे घर में है लास्ट दिन। आज ये चले जाएंगे तो वह थोड़ा सोना सोना सा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा 11 दिन में, मतलब ऐसा लगा था कि कोई मेहमान घर पर आया है और त्योहार जैसा लग रहा था। और अब आज चले जाएंगे तो आज हवन वगैरह होगा घर पर, और देखते हैं कौन कौन आएगा हवन में और कैसे कैसे विसर्जन होएगा। मैं आपको दिखाता रहूँगा, बाकी आप बने रहना मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं बाकी। तो भाई देखो तो मैं बहन चुगली करते हुए पूरी बना रही है। हम ये कन्या जी महंगी ना, आज पापा जी जाएंगे तो आज ही उठ गए तुमसे पहले। ये भी ब्लॉग नहीं बनाते हुए डेली बकवास कर रहे, 3-4 दिन में एक ब्लॉग कोई बनाता ही नहीं है। ये सुबह सुबह आ गए, उस टाइम तो मैं सो रहा था। 9 बजे आए हम। देख लो अब जल्दी उठ गई थी। कितने बजे उठ गई थी? देखो ये आते काम करने या ऐसे खड़े होगा? बहुत बड़ा काम करते हैं। मम्मी अभी नहाई नहीं है, मम्मी अभी नहाने जाएंगी। ये हमारा आयुष प्रधान नायक तेज चल रहा है क्या गाइस? देखो ये भी आया, ये आया सोने। आतिश हो गया और अभी सो रहा है। नमस्ते, सोना है तू? है बे क्यों, कितने बजे उठा था? 7 बजे उठा था तब भी नींद आ रही है, मतलब 5 बजे उठ गया। तो गाइस ये रहे हमारे पप्पा जी, आपसे भी दर्शन कर लो, आज ही चले जाएंगे, आज इनका भी विसर्जन हो जाएगा। और ये है प्रसाद जो हमने बनवाया है बांटने के लिए सबको, जो कितने प्यारे लग रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया। अभी पापा लेने गए हैं सब सामान वगैरह लेने गए, फूल माला फल वगैरह लेने गए हैं, और पंडित जी आएंगे अभी, उसके बाद होगी पूजा। आपको पूजा दिखाऊंगा मैं, बाकी देखते रहना बने रहना मेरे साथ व्लॉग में, अच्छे अच्छे व्लॉग बनेंगे। और वैस कमेंट करके जरूर बताया करो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगा करे, फिर मैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा। ओके गाइस, ये ऐसे करते हैं, सो जाते हैं। अभी लोग कोई और बनाता है, नाम अपना लगाते हुए व्लॉग में बनाता हूँ, और एडिट भी कोई और ही करता है, और सुबह भी 11 बजे सो के उठते हैं, और डालता भी कोई और है, कमेंट लाइक कोई और करता है। ये है तो लाइक कोई और कर देगा बस ये पीछे से आवाज लगा देते कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, बाकी व्लॉग कोई और जैसे मैं बोल रही ना आवाज लगा देते मेरी कट करके। तो गाइस हमने आलू पूड़ी बना दी है, सब्जी पूड़ी, और मम्मी जी बना रही है अब पेठे की सब्जी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस मम्मी जी बना रही है सीताफल, जिनको लोगों को पेठा समझ नहीं आ रहा होगा उसका नाम है सीताफल, उसको पेठा ही बोलते हैं। ये सब्जी मम्मी जी के हाथ की अच्छी लगती है तो इसलिए मम्मी जी बना रही है, मुझे बनाई नहीं आती जिन जिसको पेठे की सब्जी खानी है आ जाओ शिवानी के घर। गाइस जी बना रही अब लोग पूछेंगे एड्रेस बता दो, हम तो कब से पूछ रहे हैं जिसको पता हाँ। और मैं जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि मैं साड़ी पहनूंगी गाइस, क्योंकि आज मैं साड़ी पहनूंगी तो मैं साड़ी पहनने जाती हूँ। देखो जी जी सारे मजे ले रहे हैं भाई, मेरे लिए समझ ले गए कितनी अच्छी मामी है हमारी, के मेरे सिर पे दर्द कर देते हैं। अब आटा मार दिया, गाय की दो रोटी दिया ही। आज पहला वो नहीं है सरा आज कल से है तो आज से आधे दिन के बाद से
पर अब किसी का अभी थाली वाली तो निकलेगी, जब पापा बताएंगे तब निकलेगी, तो भाई को भी आई। अब मामा नहा के फटाफट दादाजी रोबो झंड में जा रहे बैठ जाओ मम्मी लेके जाएंगे। गाइस ये कल सुबह 6:30 बजे उठेगा और 10 बजे तक उठा रहेगा, क्योंकि ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण है गाइस हमारे कल का। मम्मी भी तैयार हो गई, मामे भी आ गई चाय बनने मामे के लिए। उधर वाले से बुआ अभी कहाँ हुआ क्या? तो गाइस दीदी यहाँ पर रेडी हो रही है, साड़ी पहन ली है और मैं चाह रही चीजों को फोन देने, क्योंकि वो भी लोग बनाएंगे ना नीचे जाके। कहाँ खड़ा है? यहीं इतना भी है अभी हो रही है तो गाइस पंडित जी भी आ गए हैं और पूजा की हवन की तैयारी भी हो गई, मतलब ये लड्डू ये फूल ये हो गई हवन की तैयारी। आज पप्पा जी चले जाएंगे हमारे, ये चलना तो गाइस पूजा हो चुकी है स्टार्ट। तो गाइस अब हो रही है उनकी तैयारी। भूख लग रही है। तो गाइस पूजा भी हो चुकी है, सब गए प्रसाद लेके, हम रह गए बस कन्या भी जिन्ना दादी। माँ भी वो जाने के लिए भी जाती आती। और क्या, अब वो तो गई, कथा भी हो गई, खाना भी खा दिया। कल ब्लॉग सारे क्या सारे बैठ गए, इसे लूंगा काले वो पूरे लिए खा ले पर चुन्नी ऐसे छोड़ अच्छा इसमें खाएगा। आज हमारे पप्पा जी आज चले जाएंगे, दर्शन कर लो लास्ट बार। तो कहीं जाऊँ पापा जी को कोई यार लोग हमारे, अब मैं आया हूँ अपने कमरे में, अब ले जाऊँ नीचे बात करूँ। आयो ये सो रही है मोना, यहाँ से होता है। हाँ अच्छा अच्छा तो मैं सामने हूँ बोल। आरती लगा दो, तो ऐसे पैसा मांग रहे बहुत सारा। पापा सब पूजा करेंगे
पहले गंगा टी कर ले इसे खड़ी हो जाती है आगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता पार्वती पिता महादेवा मांगरे कान का बड़ी बात होती मुझे खोल देना है आके करके तेरे को तो भूल ना कलर लगाते रहो भूत बने मेरा कैसा हो गया अभी देख के करेगा फिर करेगा बन रहा है कर दिया मेरे फिर सुन ले इसको फिर से जलवाते खाना ही होगा अगले बरसाना है देखेगी तेरी राह दादी क्या से निकाले तो मान ले तू मान दे ले तेरा मेरा लौट के तुझको आना है सुन ले कहता थी बाना जब तेरा दर्शन पाई नारे लगा लो आंटी कहाँ गई नारे लगाओ नारे गणपति की जय जयकार बस एक दो तीन चार बाबा तेरी जय जयकार इस गाड़ी में बैठ गए हैं अपने परिवार की तरफ से ठीक है मैं भी जाएगी कौन मिली है मैं तो आंशी के साथ बात कर रही थी कौन मिली आपकी आंशी बता रही फिर आपकी एक फैन मिली अच्छा बोले शिवानी के नाम मुझे हंसी आ रही आपके घर में किसे देख रहे हो आप नीचे दिखाओ
व्लॉग में तो गाइस हमारे पप्पा जी चले गए, उनका स्थान खाली हो गया, बहुत सोना सोना लग रहा है। साफ सफाई भी हो गई, मैं भी नहा लिया, मेरे बहुत कलर वलर लगा दिया था और काफ़ी ज़्यादा थक गया मैं, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठा था, रात को लेट सोया था, ब्लॉग एडिट कर किया था मैंने 2:30 बजे तक, उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ गया था, फिर पूजा वगैरह हुई तो इसलिए थक गया था, बहुत नींद आ रही है। देखो मम्मी बोले कलर कलर में हो रही है, मम्मी जाएंगी नहाने, ये भी नहा ली, हट जाए सब्जी तुझे लाती है काजू। और देखो थक गए, अब शाम की चाय पियेंगे, ये देखो चाय पियेंगे, मेरी दादी हाथ लगी गुड, यही वाली लूंगा यही वाली लूंगा। तो गाय ये सारे बहुत बुरे हैं, ये नंदनी खुशी और शिवानी सब बुरे हैं सारे, और प्रिंस भी सबने मिल के मेरे साथ प्रैंक कर दिया, और ये खुजड़ी सबसे ज्यादा इसने करा, देखना मजा आने वाला है। गाय जो प्रैंक है ना वो खुशी के चैनल पर आएगा, मेरा दिमाग खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, दग दग तो हो जाती है अगर प्रैंक नहीं होता तो जी में। सही वाली बहुत तेज है, देखने में लगते हैं सीधे साधे, देखो सिंगल देखो इनकी, खुशी अब तक का तेरा एक प्रैंक है जो सक्सेसफुल हुआ है। हाँ। वो तरीके से कराया ना सबने मिलके, इन सब ने मेरे को बेको बनाया ना, अब देखो मैं ऐसे ऐसे प्रैंक करूंगा इनके ऊपर, ये याद रखेंगे, फिर मैं भी ऐसे करूंगी ना, इन्हें रोते हुए दिखाऊंगा तो मैं देखना आंसुओं से रोएंगी, अब तुम्हें पता चल, तीनों बहने तीनों क्यों देना, दीदी को मत करना, दीदी की तो मिली हुई थी, वो मिली हुई थी, अब बता देना, अब एक मिनट, वैसे तुम जैसे तुमने कराया ना तुमसे बढ़िया करूंगा मैं, देखना, और तुम ये सोच भी नहीं सकती, फोन में चलाता रहूंगा हाथ में, कुछ भी लेके आऊं ऐसा प्रैंक कर दो नाच जाएगी दोनों। नहीं मैं नहीं, नंदनी नहीं, प्रैंक तूने किया, मजा आ गया, गाय सब मिले हुए थे, देखो मुझे कुछ नहीं पता, पता मम्मी को भी पता, वो इसने लिखा था, इसे पता था, इन दोनों को पता ही था, अभी खा रहे खाना दाल चावल, देखो ये मेरे पास आया फिर यूँ कह रहे कि मुझे व्लॉग में ले लो जीजू, हम फेमस हो जाएंगे, फिर तुम्हारे व्लॉग रोज डाल लो तो हमें भी ले लो, यहाँ मैं जीजू की बहुत बड़ी फैन हूँ, हमें व्लॉग में ले लो, खुशी हुई कि जीजू का व्लॉग में आई। देखो ये गरीब आदमी बस ये ऐसे करता रहता गूंगा, ये जा रहे हैं, पहले छोड़ जाऊंगा, ये अपना व्लॉग बना रही है, मैं अपना बना रहा हूँ, आयो टक्कर ले लो, आ जाओ, मैं भगा रहा हूँ, तुम जा रही हो, रुक जाओ, नहीं भगाया, तो भाई जीजू हमें छोड़ने जा रहे हैं, तो भाई मैं जा रहा हूँ छोड़ने, टाइम कितना हो रहा है, कितना हो रहा है पता नहीं, 10:30 बज रहे और अभी जाएंगे घर पे, घर पे जाने के बाद ये प्रैंक वाली वीडियो डालेंगे जो उन्होंने मेरे पे किया था, तुम वहाँ के दिखा रही हो रास्ता, जब मैं यहाँ बैठा रास्ता के देख लेंगे, अब ले दिखाओ है ना, बताओ ये मेट्रो स्टेशन कौन कौन देखा, किस किस ने देखा, पीछे इन्हें भी तो दिखा दो, इन्हें भी दिखाना जरूरी है क्या, ये भी आ गए, ये बेचारा फेमस हो गया, ये चोरी नाक वाला। तो गाइस अब ये जा रही है बाय, इधर देखो, तो गाइस मैं आ गया चुका हूँ इनको छोड़ के घर पे, भैया आने में 11 बज गए, दोनों सास बहू बैठ के बात कर रहे थे, तो गाइस ये था आज का व्लॉग, तो आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी बहुत सारे कमेंट आए कि जब जो मैंने पूछा था कि मतलब कौन सी अच्छी है, कायल अच्छी है, तन्नू अच्छी है, तो बहुत सारे कमेंट तो ये थे कि दोनों ही अच्छी हैं, मतलब नेचर वाइज होता है, सुंदर का भी होता, मतलब
दोनों में टाई मान लो एक तरीके से, दोनों में टाई हो गया। और अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कमेंट ये थे कि दीदी अपना ख्याल रखना, कल 18 तारीख है तो कल ग्रहण है। तो गाइज आज मैंने पता किया तो ग्रहण नहीं है, आपको जैसे पता है कि चंद्र ग्रहण है और सुबह मॉर्निंग में 6:30 से, तो जो चंद्र ग्रहण है ना वो यहाँ नहीं है, वो अदर कंट्री में है, क्योंकि सुबह 6 बजे तो सूरज निकल जाता है तो चंद्र ग्रहण कैसे पड़ सकता है, मतलब सूर्य ग्रहण हुआ ना यहाँ पे। तो आज हमारे गणपति बापा जी की विसर्जन हुआ ना, तो पंडित जी आए थे तो उनसे हमने पूछा था कि यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है चंद्र ग्रहण, वो बाहर देश में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस आज गणपति बाबा का विसर्जन हो गया तो ऐसे घर सुना सुना सा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर का सदस्य चला गया हो, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि रोज सुबह शाम आरती करते थे तो अच्छा लगता था, मन को शांति सी मिलती थी, आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब कल देखते, कल और अभी और ज़्यादा अजीब लगेगा। बाकी तुम कुछ बोलोगी? ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। वो तो जबरदस्ती जगा रखा है मैंने, नींद आ रही है मैडम को, थक गया था, थक तो मैं भी गया आज, क्योंकि आज गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला के मतलब थोड़ी देर भी लेट जाओ और फिर सुबह जल्दी उठना, क्योंकि कल श्राद्ध भी है, मतलब कनागत शुरू हो गए तो मतलब पूजा वगैरह होगी जो भी है कल भी, तो सुबह भी 5:30 बजे उठना है और अभी 12 बज रहे हैं, है ना। अब मैं 1 बजे तक सोऊंगी, लेटते भी नींद नहीं आती और सुबह जल्दी उठना है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ सो जा रही हूँ, आप ब्लॉग एडिट कर लेंगे। अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा, ब्लॉग की एंडिंग करी है मैंने अभी, 12 बज रहे हैं। और गाइज मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट में ये जरूर बताओ कि कौन हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहा है, मतलब किस जगह से देख रहा है, अपने शहर का नाम या फिर स्टेट का नाम, कहाँ से आप, ये मुझे जरूर कमेंट में बताओ ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं। और बहुत से लोग मिलना भी चाहते हैं तो फिर हम मीटअप भी रखेंगे जल्दी ही, अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। ओके गाइज, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और शेयर कर दिया करो ब्लॉग को, उतने ही लोग देख रहे हैं मतलब। और आज नंदनी खुशी घर पे आई थी तो उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया था। हाँ गाइस, नंदनी खुशी का प्रैंक ब्लॉग देखना। हाँ मेरे साथ प्रैंक कर दिया, बताओ उसका यूट्यूब चैनल बताओ, Co9 के नाम से है खुशी का चैनल, KUHHW और फिर 19 लगा देना जैसे Co19, मतलब खुशी की आईडी है वो, वहाँ जाकर आप देखो ना तो प्रैंक किया है। ओके गाइस, वो सुबह तो डालेगी वो वीडियो, जब भी डाले आप देखना, देख लेना, बहुत तगड़ा प्रैंक करा है। आप तो इनसे बोलते रहोगे बट ये नहीं करेंगे, बट खुशी आकर इनके ऊपर करके चली गई। ठीक है, इसको फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जय श्री राम।